सबसे रोमांटिक जो ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कि बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, कुछ शायद आप किसी से प्यार नहीं करें लेकिन उनके आशिक बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन सीज देम एंड एवरीवन लव्स देम। तो कोई एक ऐसा वाकया जो आप याद करो, जो एक रोमांटिक सा वाकया, शायद किसी ने आपको फूल दिया हो, लेटर दिया हो, कोई हिडन एडमायर हो, प्रपोज किया हो, कोई भी ऐसा वाकया? नहीं देखिए, वो तो नहीं होता है, मगर जब टीम जाती है डेफिनेटली आपको मतलब कोई एक बंदी जो आपको हर जगह देख रही हो, आपको प्यार का इजहार कर रही हो, मतलब कोई तो ऐसा पागल होता होगा। जो प्लेयर्स है किसी को मतलब इंग्लिश, जैसे हमारे वसीम वो थे, वसीम राजा थे, उनको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन, उनसे शादी की उन्होंने, तो उन्होंने अपने फैन से शादी की। नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन ये इंग्लिश है या इसमें, तो काफ़ी मुदस्सर नजर ने शादी की थी, वो अंग्रेज की थी, राइट, अंग्रेज इंग्लैंड से थी, तो ये तो चीज़ें, और मैं बिलीव करता हूँ ये सब नसीब की बात है। तो मतलब आप इधर उधर देखते ही नहीं थे? ये एक इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए हम एज ए मुसलमान अपनी कहते हैं ना, बचपन से पैदा होता है तो सारी चीज़ें हो जाती है, हो जाती है। तो आपने कितनी दफ़ा देखा है कि होना कहाँ होती है, हो कहाँ जाती है, हो कहाँ हो जाती है। हाँ, ये तो इसके ऊपर मैं सबको ये कहूँगा, इस पर कोई माइंड या लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, राइट। अक्सर मैंने देखा है कि बड़ा फैमिली में और ये वो, तो नहीं, नसीब नसीब सब कुछ होता है। ये चीज जो है ना, ये चीज आपका एक तरीके से पार्टनर होता है। एब्सोल्युटली, जोड़े ऊपर से बनते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो थोड़ा ये सोचना चाहिए था। वैसे ही बताएं, इंडियंस के साथ मुझे लगता है जो अभी बाबर आजम ने जो खेला था, बहुत, ये जो अभी वाली टीम थी वो बहुत ही प्यारी थी, एंड आई रियली लव देम फॉर प्लेइंग सो गुड। लेकिन उस वक्त आप लोग जिस तरीके से खेलते थे इंडियंस, और ऑफ कोर्स बातचीत भी अलग थी उस टाइम पर, तो फेवरेट प्लेयर और फेवरेट दुश्मन कौन होता था इंडियन टीम से? क्या आप बोलो कि यार ये बंदा आए तो मैं यू नो भिगो भिगो कर नहीं, देखिए पहले की जो क्रिकेट थी, हम जब पहले से उससे बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी, और बड़ी यानी हर टीमें जो थी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और आहिस्ता आहिस्ता जब 17 में और भी थी, फिर 75 में, तो 74-5 में आया, तो लाजिम आते जा रहे हैं हम, लिली टॉमसन ऐसे ऐसे प्लेयर जो थे वो उनके पास, सारी कंट्री के पास अच्छे अच्छे प्लेयर थे, वेस्ट इंडीज टॉप वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक और प्लेयर जो आज अगर हम गिन बोलते हैं तो ये 3-4 जगह से ग्रेट प्लेयर आए हुए और खेलते थे। हाँ, तो हमारी टीम में भी ग्रेट प्लेयर। तो एक होता है ना, आपका कोई फेवरेट दोस्त क्रिकेट एक तरफ, वो आपको जिगर हो जिसके साथ आप बैठकर कहीं बाहर जाए चाय पिए, कोई इंडियन क्रिकेटर? नहीं, ऐसा तो देखें, दोस्ती तो लाजिमत है कि आप रूम भी शेयर करते हैं तो उधर भी आपकी ज़्यादा वो हो जाती है, मगर टीम में जब आप होते हैं तो डेफिनेटली अवे ट्रिप पे तो आप सब गेट टुगेदर होते हैं, ऑल टुगेदर होते हैं, अगर कोई कहीं जा भी रहा है, खाने भी जा रहा है, तो एटलीस्ट 2-3-4 मिल के जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में होते हैं ना, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और यानी कि आप भी अगर कहीं हॉलीडे पे जाएं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, मैं बहुत सारी जगह पर खाना खाने रेस्टोरेंट होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं ना। एब्सोल्युटली राइट। खैर, मुझे ये बताएं, सुनील जी जो ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक कपिल शर्मा के शो में बैठ कर ये बोला था कि वो क्या रूम पर चक्कर, वो क्या था, वो क्यों था? अभी सुनील गवास्कर वन ऑफ द टॉप ग्रेट प्लेयर इंडिया व्यूज, राइट, और उनके टाइम पे मैंने उसके जैसा प्लेयर जो है ना, ओके, हाइट भी छोटी मगर ये बड़े बड़े बॉलर खेलते थे। अच्छा, उस वक्त इतना हेलमेट भी नहीं था, ना करो, ये प्लेयर इतना आराम से खेलता था और ऐसे लेफ्ट करता था, इज लाइक 5-6-5 समथिंग, राइट। But why उन्होंने ये लाइन क्यों बोली? Why did he say this line in the Kapil Sharma show? रूम पर छक्का मारूंगा, इसका मतलब क्या था? वो, अच्छा हाँ, वो आप पूछ रही थी ना, वो दरअसल ऐसा हुआ था कि मैं तो मेरी क्रिकेट जो रही है ऐसी ही रही है, तंग करते हुए खेलते हुए बोलते हुए सारी चीजें ना, माई कॉन्सेंट्रेशन था ये समझना। ओके, तो मैं उससे पूछता था तेरा रूम नंबर, बॉलिंग कर रहा था ना, मैंने कहा यार मास्टर तेरा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, तो जवाब नहीं दे, जवाब ना दे, तब
छेड़े होते थे पिच में। तो हम मतलब रूम नंबर क्या है, रूम नंबर। तो उसने जाके है ना सुनील के आवाज से पूछा कि सुनील ने कहा क्या बोलता है, क्या बोलता है? तो कह रहे वो रूम नंबर कहते बता दे कोई नहीं। अल्लाह। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा दो चार फील्डर वहाँ भी ले ले, वहाँ भी मारूंगा मैं। मतलब क्या बात है। तो वो फिर लाजमी बात है कि काफी वो हो गया था। No, but this is a nice controversy. You know, हंसी भी है, शुगल भी है, नोकझोंक भी है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।